ये पांच प्रकार के स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। कौन से वो पांच प्रकार के नारी हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं? सबसे पहले नंबर में मधुर बोलने वाली, जो नारी मधुर बोलती है, प्रिय बोलती है, जिस नारी के वाणी कोयल समान मधुर होती, वो घर को स्वर्ग बनाती है। ऐसे घर में अतिथि भी आए तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। धीरे जो बोले, मधुर बोले, जो नारी बहुत ज़्यादा चिल्ला करके बात करती, उसके घर में लोग जब भी आए तो संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। और दूसरे नंबर में जो स्त्री सुबह जल्दी उठती हो, जो नारी सुबह जल्दी उठती है वो घर को स्वर्ग बना देती है। जल्दी जाग करके अपने घर के काम करके पूजा पाठ करती हो, ऐसी नारी घर को स्वर्ग बनाती है। तीसरे नंबर में जो नारी घर को स्वच्छ रखती है, आप सब जानते लक्ष्मी उसी घर पर आती है जहाँ पर घर पवित्र किया जाता हो, घर को साफ सफाई से रखा जाता हो, उसी घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए घर को स्वच्छ रखने वाली नारी घर को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए घर में ऐसी बहू लाओ जो सुंदर गुण से पूर्ण हो, मधुर बोलने वाली हो, परिवार का ख्याल रखने वाली हो, घर को स्वच्छ रखने वाली हो, ऐसी नारी घर को सुंदर बना देती है, स्वर्ग समान बना देती है। चौथे नंबर में जो नारी पूजा पाठ करती हो, भगवत आराधना करती हो, ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है। अगर घर में ऐसी नारी आ जाए तो उस घर का किस्मत चमक जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। देखो उस घर में दरिद्रता आती, जहाँ के नारी, जिस घर की नारी बहुत देर तक सोती, शाम के समय में सोती है, बहुत देर तक बिस्तर में पड़ी रहती है, घर के कार्य पर निपुण नहीं होती, घर के काम प्रेम से नहीं करती, रसोई घर में जूठा बर्तन छोड़ती हो, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता आती है। इसलिए ये चार गुण वाली नारी घर को स्वर्ग बनाती हैं। अगर आपकी बहू, आपकी पत्नी में भी ऐसे चार गुण हैं तो समझो आपका घर स्वर्ग समान है। जो नारी मधुर बोलती हो, मीठा बोलती हो, जो नारी सुबह जल्दी जागती हो, और जो नारी घर को स्वच्छ रखती हो, और जो नारी पूजा पाठ करती हो, ऐसे चार गुण वाली नारी घर को स्वर्ग बना देती है। प्यार से बोल दीजिए।